हाय गाइस, तो मैंने सारे टेस्ट वेस्ट कर लिए, मतलब टेस्ट नहीं बोल सकते, एक टाइम पे इसे हम सब बोल सकते कैमरा यूज़ कर लिया। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, इसके पहले मैंने कभी कोई एक्शन कैमरा यूज़ नहीं किया। दिस इज़ माई फर्स्ट एक्शन कैमरा, वो भी मैं बहुत रिसर्च कर रहा था एक्शन कैमराज पे, या व्लॉगिंग कैमरा बोल सकते हैं। इन जनरल मुझे यूट्यूब वीडियोज़ बनाना था और काफ़ी टाइम से मैं कंसिस्टेंट नहीं था, तो मुझे एक ऐसा कैमरा चाहिए था जो ऑल इन वन पैकेज हो, और ये ऑल इन वन पैकेज है। कुछ ये प्रमोशनल वीडियो नहीं है ना स्पॉन्सर्ड है, ये मैंने मेरे पैसे से ही लिया है। तो मैं ऐसी लेने से पहले भी काफ़ी रिसर्च किया था, तो ये ऑल इन वन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप इससे व्लॉग भी कर सकते हो, आप इससे टाइम लैप्स कर सकते हो। इसमें एक नया फीचर है जो कि आई गेस एक्स सीरीज में पहले से है, इंस्टा 360 है, जो कि बुलेट टाइम फीचर है, जिसमें आप ऐसे सेल्फी स्टिक डाल के इसमें एक और एक एक्सेसरीज लगा के बुलेट टाइम का ऐसे पकड़ के आप घुमा सकते हो स्लो मोशन में। फिर इसका फीचर है ये 4K में स्लो मोशन देता है, काफ़ी अच्छा है। ये 5.7K में भी व्लॉग करता है, 8K में भी व्लॉग करता है। हाय गाइस, तो अभी ये शूट हो रहा है इंस्टा 360 X4 पे, और इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। अभी ये 5.7K पर 30 फ्रेम रेट्स पे शूट हो रहा है। हाय गाइस, तो अभी हम ट्राई कर रहे हैं 8K 30 फ्रेम्स पर सेकंड पे। और इसका टाइम लैप्स जो होता है वो 11K में होता है। अब मैंने जो भी यूज़ किया है मैं बताता हूँ। अब यूज़ करते समय मैंने जो प्रॉब्लम्स फेस किए हुए मैं वो बताता हूँ, क्योंकि मैं इसका एडवांटेज ही नहीं बात करना चाहता। इसके जो डिसएडवांटेजेस मैंने फेस किए इसलिए किए क्योंकि मेरे पास एक्सेसरीज की कमी थी। हर एक चीज़ का एक्सेसरीज हो तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं देगा। ये कैमरा लिटरली बेस्ट बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट एक्शन कैमरा है ऑफकोर्स। तो सबसे पहला बात तो इसका जो ये हाफ प्रोटेक्शन गार्ड मिलता है फ्री में, अच्छा है, नॉट बैड। इससे इसका जो ओवर हीटिंग होता है वो भी थोड़ा बैलेंस रहता है, बट मैं रेकमेंड करूँगा कि फुल प्रोटेक्शन लेना, क्योंकि मैंने POV के टाइम पे शूट करते समय इसको ऐसे पकड़ा था तो मेरे दांत के निशान ही आ गए, इसमें दांत के निशान आ गए। हाय गाइस, तो अभी हम ट्राई करेंगे POV। ऑल्सो मैंने थोड़ा रिसर्च किया तो पता चला कि POV रिकॉर्ड करने के लिए आउट का पूरा प्रॉपर माउंट आता है, जिसको आप पकड़ के POV कर सकते हो। वो भी मैंने खरीदना है, अभी तक लिया नहीं है। एक अलग सा इंस्टा सेल्फी स्टिक लिया, क्योंकि ये इनविजिबल स्टिक है, इसका ये फ्री नहीं आता, ये अलग से लेना पड़ता है। फिर ये लेने के बाद पता चला जो फेक ड्रोन शॉट जो शूट होता है वो ये नहीं है, वो एक अलग सा 11 फीट का एक आता है, इंस्टा 360 वाले वेबसाइट में आपको मिलेगा, जो कि 11 फीट तक खुलता है, बहुत क्रेजी है, बहुत बड़ा है। ये भी चल जाता है अगर आपको व्लॉग करना है और वो सब के लिए।
तो गाइस अभी हम आए हैं विक्टोरिया पार्क में जस्ट टू ट्राई आउट दिस ब्यूटीफुल कैमरा और इसके लेंस। तो ये पार्क काफ़ी बड़ा है और काफ़ी मस्त है और यहाँ पे लोग जॉग करने आते हैं, साइकिलिंग करने आते हैं और क्या क्या करने आते हैं, अपने डॉग्स को घुमाते हैं। मैं भी इधर आता हूँ कभी कभी जॉग करना है। आज तो मेरा हो गया है जॉग और जिम सब कुछ, तो आज ऐसे ही मैं आया हूँ कैमरा टेस्ट करना है। लेट्स सी कैसा है। और एक और मेरे को एक्सेसरीज लेना पड़ेगा। मैंने देखा है वो इधर से ट्राइपॉड स्टैंड जैसा कनेक्ट होता है जो कि अगर हम टाइम लैप्स कर रहे हैं शूट या कुछ ऐसा कर रहे हैं तो उसके लिए काम आए और व्लॉग के लिए भी अच्छा है। यस, माइक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने जितने भी सैंपल शॉट्स लिए जो आप देखे होगे ये वीडियो में या अभी तक देख लिया होगा उसमें मैंने जितने भी बात की है जो भी आपका आउटसाइड आवाज आ रहा है ये सब इसलिए आ रहा है क्योंकि ये इसका इंटरनल माइक है। मैंने एक्सटर्नल माइक जरा नहीं लगाया और एक्सटर्नल माइक 100% मैं रेकमेंड करूंगा क्योंकि उसके बिना आप अच्छे से व्लॉग ही नहीं कर पाओगे। इसमें है साउंड कैंसिलेशन, बाहर का जो होता है वो हो जाता है, काफ़ी अच्छा फीचर है। सो गाइस अब मैं, मेरे पास कुछ भी एडिशनल एक्सेसरीज नहीं है कैमरा का, जो भी है नॉर्मल है। मैंने एक्स्ट्रा माइक्रोफोन भी कनेक्ट नहीं किया, जो कनेक्टेड है वो नॉर्मल है। तो अभी हम जो भी सुन रहे हैं देख रहे हैं इंटरनल माइक्रोफोन के साथ है। तो अभी जो भी है, जो भी मैं बता रहा हूँ आप सुन रहे हो सब कुछ, ये इंटरनल माइक्रोफोन है। मैंने ज़रा एडिशनल माइक कुछ नहीं पहना। बहुत ब्यूटीफुल सा फाउंटेन है पीछे गाइस। आज ज़रा सनी नहीं है और आज क्लाउडी है वेदर और आप देख सकते हो ब्राइटनेस वाइटनेस कुछ भी मैंने चेंज नहीं किया, बस विविड में रखा है। अभी हम 4K में शूट कर रहे हैं सिंगल लेंस और अब ध्यान से उधर ऊपर देखोगे तो डक है उधर। फिर भी मैं रेकमेंड करूंगा माइक क्योंकि माइक के बिना मजा नहीं आएगा आपको व्लॉग करने बात करने को। मेमोरी कार्ड इन लोग देते नहीं, कोई मेमोरी कार्ड आपको अलग से लेना पड़ता है। तो मैंने ऐसे ही, पता नहीं था, इतना आइडिया नहीं था कितना मेमोरी कार्ड लगेगा, तो मैंने ऐसे ही रैंडमली एक 64GB का मेमोरी कार्ड लिया। बट मैं उसमें भी रेकमेंड करूंगा कि 256GB मेमोरी कार्ड आपका मिनिमम होना चाहिए क्योंकि आप इसमें 4-5 वीडियो या बना लोगे अच्छा खासा 5-10 मिनट का ये फुल मेमोरी कार्ड हो जाता है क्योंकि इतने हाई रेजोल्यूशन में शूट होता है। डिपेंड करता है, अगर आप 4K में शूट करोगे तो ये कम स्पेस खाएगा, बट ऑफ कोर्स आप 5.7K 8K में शूट करना प्रेफर करोगे। ये ऑल इन वन कैमरा है, आपके पास बस एक्सेसरीज होगा तो बेस्ट कैमरा है। पोर्टेबल है, इजीली हाथ में आ जाता है और कभी भी टाइम आपको कभी भी व्लॉग करना है व्लॉग कर सकते हो। कभी भी आपको 360 शॉट चाहिए आप 360 में शॉट कर सकते हो। टाइम लैप्स है इसमें, फिर 4K में 30 फ्रेम्स पर सेकेंड में आप स्लो मोशन शूट कर सकते हो और क्या चाहिए। बाकी तो आप सैंपल शॉट्स देख ही लोगे। दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू। और होपफुली इंस्टा 360 भी ये वीडियो देखे और उनको अच्छा लगे मेरा रिव्यू। ऑफकोर्स ये रिव्यू चैनल नहीं है, मैं टेक्नोलॉजीज में रिव्यू इतना करता नहीं हूँ, या आप बोल सकते हो ये लाइफस्टाइल चैनल है। तो ऑफकोर्स अगर इंस्टा 360 को अच्छा लगे तो होपफुली मुझे फ्यूचर में प्रोडक्ट्स भेजे। बाय, पीस आउट गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।